हेलो गाइस, मैंने ये पीवीसी आईडी कटर है जो अमेजोन से ख़रीदा है, वहाँ से आप भी इसे ख़रीद सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हमें मिलने वाला है, चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। फ़िलहाल तो ये आया था अमेजोन का पैकिंग में, तो मैंने इसे खोल दिया है। और यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ मिलता है जो ये एक लंबा सा रॉड है, ये रॉड मिलता है। ये रॉड का किप भी लगा हुआ नहीं होता है, उसे खुला हुआ रहता है, मैंने इसे लगा दिया है। अब देख सकते हैं कितने प्रीमियम लुक दे रही है, और ये काफ़ी वज़नदार है। इसकी लगभग वज़न 3 से 4 केजी में आता है, तो इसे निकालना भी मुश्किल हो रहा था, तो मैंने खुद इसे निकाला है। देखिए, अब मैंने इसे निकाल लिया है। निकालने के बाद देखते हैं इसमें क्या क्या मिलने वाला है। इसमें एक रॉड मिला है और एक ये मशीन ही मिला है जो कि ऐसे ही आया था, इसके साथ और कोई पर्ची उर्ची नहीं आई है। ठीक है, अब इसे यूज कैसे करना है, जब पर्ची ही नहीं दी गई तो यूज कैसे करना है, इसके बारे में जानने के लिए चलिए इसे करते हैं फटाक से अनबॉक्सिंग। देखते हैं इसमें क्या क्या खास मिलने वाला है। तो सबसे पहले जो किप है, इसको लगा लेना है हैंडल को। हैंडल को लगाने के बाद इसमें क्या होता है कि आईडी कटा जाता है, तो आईडी करने के लिए आईडी को चेक करना पड़ेगा। जैसे आप नीचे करेंगे तो वो आगे आएगा, वो एक ब्लेड होता है जिसके द्वारा वो आईडी कट जाती है, और ये एक ही शेप में कटता है, इसका सही बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता है। आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या फिर कोई स्कूल आईडी कार्ड एक ही शेप में आता है, जो ये शेप दिया गया है। तो चलिए इसमें फटाक से डालते हैं, ये पूरा सेट नहीं हो पा रहा है, तो इसे बगल से थोड़ा काट देते हैं, उसके बाद उसमें डालेंगे और हम आपको काट करके दिखाएंगे कि ये आईडी कटने के बाद कैसा दिखता है। मैं ये आईडी कार्ड वोटर आईडी कार्ड बना करके भी दिखाऊंगा, उसके बाद काट के भी दिखाऊंगा। मैं ये सैंपल दे रहा हूँ आपको, देखिए कि अगर आप पेज काट कर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि मैंने अभी 2 पेज मैं यहाँ पर काटने वाला हूँ, मतलब कि 2 आईडी काटने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक आईडी है और ये एक आईडी है, 2 आईडी काट ली है, एकदम गोल सा कटा है, जैसे कि आईडी आपको मिलती है बाज़ार में। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है मेटल का है, जो आपको दिख रहा है मेटल का है, और ये पूरे लोहे का है, और नीचे में जो लगा हुआ है वो टीन का है, लगा हुआ टीना का लगा हुआ है कीप के साथ, और इसे आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो बॉडी दी गई है वो काफ़ी प्रीमियम दी गई है, एकदम देखने में मस्त लगता है। और ये जो इसके अंदर क्या रहता है, तो इसके अंदर मैंने अभी खोला नहीं है, तो मैं थोड़ा खोल करके चेक किया हूँ कि इसके अंदर एक स्प्रिंग रहती है और कुछ नहीं रहता है। तो जैसे हैंडल को दबाते हैं तो वो स्प्रिंग से दब करके आगे चला हुआ जाता है, और वो वापस से स्प्रिंग पीछे खींच लेती है। ठीक है, तो यही होता है इसमें, इसके द्वारा आईडी कट जाती है। ठीक है, जो आपको दिया गया है लोहा का है, और ये रॉड भी आपका लोहा का है। तो चलिए, हम ये जो किप दिया गया है, ये दाबने के बाद ज़्यादा इधर उधर ना हो, इसलिए एक जगह पर रखने के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको ओरिजिनल वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसे क्या करना होगा कि ये जो इसका 2 पेपर आता है, एक तो कार्ड रहता है और एक आता है मेटल, इप्सन मेटल का एक पेपर आता है जो कि इप्सन में प्रिंट होता है ये। ठीक है, तो वो मेटल पेपर और ये कार्ड दोनों मिलाकर अगर एक लेते हैं तो आपको 30 रुपये पड़ेगा। ठीक है, उस कार्ड पे आप लगभग 4, 5, 10, मतलब 20 कार्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ 2 इप्सन मेटल पेपर मिलेगा और 1 पेपर मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ये ख़रीदते हैं तो 5 रुपये में 1 कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि इप्सन का जो प्रिंटिंग चार्ज रहता है वो ऑफिशियल दिया जाता है कि 1 रुपये कलर प्रिंट और 60 या 70 पैसे ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट लगने वाली है, एक बार लगेगी ये सब को ख़रीदने में, उसके बाद पर प्रिंटिंग चार्ज 5 रुपये ही लगती है। तो मार्केट में भी वोटर आईडी कार्ड का या आधार कार्ड का ये प्रिंट निकालने पर 100 रुपये लिए जाते हैं, या 200 रुपये भी लिए जाते हैं, या 150 रुपये। ठीक है, तो इसे आप मंगा करके इससे कमा भी सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद मैं ये देखिए 2 पेपर काट लिया हूँ। अब इसके ऊपर लेयर रहता है, तो उसे आप टेप लगा करके वो लेयर को निकाल लें, जैसे टेप ऐसा लगाना है और लेयर को खींचना है। एक पतला सा पन्नी मिलेगा इसके दोनों साइड से कवर लेना है इस पतला सा पन्नी को। और जो इप्सन मेटल पेपर होता है, प्रिंट कैसे करना है, इप्सन मेटल पेपर पे भी एक पतला लेयर होता है, उसे भी निकाल देना है। लेकिन जिस साइड से आप निकालोगे ना, उस साइड प्रिंट नहीं करना है, उसके दूसरे साइड प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है कि जब ये निकल जाए तो इस पर दोनों को काट लेना है, जो आपका 2 भाग रहता है दोनों को काट लेना है, और दोनों को इस पर चिपकाना होता है। तो इसको चिपकाने के लिए 2 पेपर लेंगे, एक आगे का एक पीछे का, और दोनों को बराबर से रखेंगे, थोड़ा इधर उधर ना हो।
उसके बाद दोनों को रखने के बाद लेमिनेशन मशीन को ऑन कर लेंगी। लेमिनेशन मशीन को आपको कितने डिग्री पे रखना है, 130 से 140 तक, 50 तक भी रख सकते हैं। उसके बाद जैसे लेमिनेटर हीट हो जाए, वहाँ पे एक ब्लू नहीं ग्रीन कलर का लाइट जलेगा। अगर लाइट जल गई है तो आपका वहाँ पर हीट हो चुका है, तो उसको डालना होता है प्रिंटर में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं, इसको लेमिनेशन मशीन में डालते हैं और इसे वापस से निकालते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जिसे लेमिनेशन मशीन में डाल करके निकालेंगे तो ये हीट होगा और ये सट जाएगा। ये होता है प्लास्टिक का, इसके अंदर रहता है ग्लू यानी कि गम, जो कि चिपक जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा हो चुका है रेडी। अब इसे हम डालेंगे और इसे वापस से निकालेंगे। यहाँ पर मैंने इसे डाल दिया है और डालने के बाद ये जो है हीट होगा और उसमें चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद क्या होगा इसको, तो ये अच्छी तरह से जब चिपक जाए एक दो बार इसमें डाल दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको लाना है वापस से और काट देना है। काटने के बाद आपको ये ऊपर जो एक लेयर दिख रहा है, इसको पानी से डाल के खींचिएगा तो आराम से निकल जाएगा। ऐसे पेपर से खींचिएगा, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी प्रीमियम लुक आ चुकी है, ये प्रिंट होकर के आ गया है, ठीक है। तो अगर इसका अनबॉक्सिंग आपको अच्छा लगा हो तो इसे बाय भी कर सकते हैं। अमेजोन पे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, अमेजोन का जो लिंक है वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।